शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या हुआ? नारे लगाते हुए कुछ लोगों ने अटैक किया, कोरलुदात का राज खत्म वगैरह वगैरह। सब कुछ ठीक हो जाएगा सुहान। सुहान वहां पर टूटा हुआ कांच है, ध्यान से इधर आओ। पर ये कोई रॉबरी नहीं है, है ना? नहीं नहीं, ये तो बस गुंडागर्दी है। इसने करवाया है, जरूर इसने अपने आदमियों से करवाया है। मिसेस सुहान, यहां मौजूद लोगों में से आपको किसी पर शक है? नहीं। क्योंकि मिस्टर तासी ने सीजर अलंदार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। उनका कहना है कि आपने लोगों को भड़काया है। बिल्कुल भी नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। चलो लड़के रहे हो, पीछे हट जाओ। हमें जाने दो, पीछे हट जाओ। ये मेरा ऑर्डर। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसका हाथ छोड़ दो। सुहान तुम वही खड़ी रहो, आगे मत आना। ऑर्डर है, पीछे हो। छोड़िए, कोई नहीं लड़ेगा, पीछे हो। छोड़ो, पीछे हो जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। छोड़िए, मेरी बात तो सुनिए। जबरदस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वहाँ पे लेडीज खड़ी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ प्लीज। अपने शब्द नहीं लेता मैं, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं लेता मैं, क्या करोगे? देखो ऐसे बातें मत करो, चुप हो जाओ। सब लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, तुम सब कोरलू दाग के पालतू कुत्ते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कोरलू दाग के पालतू कुत्ते तुम हो। मैंने तुमसे कहा ना बात को आगे मत बढ़ाओ। तुमने ही इस जगह को बर्बाद किया है, तुमने ही इस जगह में आग लगाई है। तुम ही हो जिसने कंप्लेंट करी थी। हाँ मैंने कानून से फरियाद की थी, और क्या करता मैं? दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, शांत। तुम अब भी अलंदार की बातों में आ रहे हो, वो तुम्हें यूं ही यूज करते रहेगा। देखो देखो, तुम जो कोई भी हो तमीज से बात करो, वरना वहां कर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अलंदार, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखा ना तुमने, देख लिया ना कैसे हमारे शहर की शांति खत्म करती है। तुम कैसे लोगों को आपस में लड़वाते हो? देखो पहले मेरी बात सुनो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, फालतू की बातें मत करो। सीजर चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चोर पापा। मिस्टर तासिन हटो, हटो पापा, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो। सुहान, सुहान क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अपनी कारस्तानियों पर गर्व करो अलंदार, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चलिए पापा। आइए मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, अंदर चलिए। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, लगा कि मेरे सिर के दो टुकड़े हो गए। वो डंडे और पत्थरों से तहसीन को लुदा को नहीं डरा सकते। ऊपर वाला आपको सलामत। उन्होंने हथियारों के दम पर आपको डराने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो पाए। चलो जाओ अपने पति के पास, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। पापा प्लीज। जाओ उस आदमी के पास जो तुम्हारे डैड की जान लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। देखो यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारे डैड ने करवाया है सुहान। सीजर, देखा ये फिर से शुरू हो गया, देखा? मेरी बात को समझो, मैं खामखा सुहान की दुकान पर पत्थर क्यों पड़वाऊंगा? हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सुहान के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, ये किसी और ने करवाया है। अब तो तुम यही बोलोगे है ना? आज सुबह जब तुम उन लोगों को भड़का रहे थे, तब तुम्हें इन सब बातों का ख्याल नहीं आया? सुहान अगर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है तो प्लीज चली जाओ। हाँ चलो। ये जो हुआ ना गलत हुआ है, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ और वो मैं करके ही रहूंगा, ये याद रखना। सीजर चलो यहाँ से। तुम क्या चाहते हो सबको पता है, तुमने इस शहर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। क्या क्या उन्होंने वर्कर्स की बिल्डिंग पर हमला किया? क्या? और कई जगहों पर आग लगी है पापा। देखा देखा देखा, देख लिया तुम लोगों ने, देख लिया, मैंने पहले ही कहा था। चलो चलो जल्दी है।
जल्दी करो, आग बुझाओ, पानी लाओ, जल्दी करो। क्या कर रहे हो, पानी लाओ, आग फैल रही है। जल्दी इसे जंगल तक मत पहुंचने देना, बी केयरफुल, जंगल तक मत पहुंचने देना, बुझाओ। अगर आग नहीं बुझी तो ये पूरे जंगल में फैल जाएगी। जल्दी करो, आग को बुझाओ, आ जाओ, जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। अलमदार, इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुमने सब बर्बाद कर दिया। बोलिए अंकल चेतन। बानू ने मुझे सब बताया कि क्या हो रहा है। आप बस पूछिए मत, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या उन्होंने शूटर को पकड़ लिया? नहीं, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी होगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको बाद में कॉल करूँ? वो फिर से वही सब कर रहा है सीजर। वो ये सब इसलिए कर रहा है कि तुम्हें गिल्टी प्रूव कर सके। अंकल मैंने कहा ना, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। उसने ही अपनी बेटी की किडनैपिंग अरेंज की थी। जरूर, ये सब भी ड्रामा है, ये सब उसी ने करवाया है। बस बहुत हुआ। सुहान उसके साथ थी। क्या वो अपने डैड को नहीं जानती? अच्छा हुआ उसने सुन लिया। I'm sorry, देखो मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम कैसा फील कर रही हो सुहान। नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। सुहान, 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 रुक जाओ ना। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सब भी मेरे डैड ने ही किया है। शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये सब उन्होंने ही किया है, पर वो मेरे डैड हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इन सब चीजों से नफरत। अच्छा, हो रही है। ठीक है, ठीक है, तुम गाड़ी में तो बैठो। नहीं, मैं मेंशन जाऊंगी। सुहान देखो, अंकल चेतन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए हुआ है। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो ना, तुम बैठो, हम आराम से बात करेंगे। तो तुम्हारा मतलब है मैं डैड का यकीन ना करूं? नहीं नहीं, मैं बस चाहता हूं कि तुम खामखा टेंशन मत लो। वहां जो आग लगी थी वो बुझ चुकी है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज गाड़ी में बैठो ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे मिसेस कुछ हो गया है। मिसेस फ्यूजन, संभालिए अपने आप को, अपने आप को संभालिए। काम डाउन प्लीज, प्लीज काम डाउन। सीजर आ रहे होंगे, कुछ नहीं हुआ है उनको। छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है, छोड़ो। मॉम, 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 मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मॉम आराम से, कुछ नहीं हुआ। मॉम, मॉम, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस बस बस, साइरन की आवाज से डर गई है। मैं आ गया ना मॉम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया ना मॉम। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, देखिए आराम से अंदर चल के फिर बात करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? वो मैंशन पर गए हैं हेल्प करने। कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं आ गया हूँ, अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। चलिए मॉम, कुछ नहीं हुआ मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए चलिए, कुछ नहीं हुआ मॉम, आराम से। सुहान, सुहान, पता नहीं कहाँ जा रही है। चलिए मॉम। जरूर उसे धुएं की बदबू आ गई होगी, इसलिए इतने आराम से पहुंची है। मुझे भी कुछ दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। सुहान अपनी वेडिंग रिंग संभालो, कहीं आग बुझाने के चक्कर में खराब ना हो जाए। चलो सुहान। हाँ, बच गए। चलो अच्छा है, हमने जल्दी से आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी तरफ की आग बुझा दी है, अब हम सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। बच गए। एक बार फिर उसका प्लान फेल हो गया। हमने आग बुझा दी और शुक्र है कि कोई भी घायल नहीं हुआ। थैंक यू डैड, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू स्वीटहार्ट, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे।
क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? मुझे मेरे घर का रास्ता मालूम है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम वापस आ गई। मैं बस देखना चाहती थी कि सब ठीक है या नहीं। सब ठीक है मेरी वजह से, मेरी वजह से। अपने हस्बैंड से कहना उसका प्लान दोबारा फेल हो गया। पापा आप चलिए प्लीज, चलिए। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आ गया ना। तुम अपने डैड के जैसे। चुप हो जाइए मॉम प्लीज, मैं आपके पास हूं ना। मुझे डर है कि तुम भी अपने डैड की तरह हार मान लोगे। मैं झूठ में कहीं खो गया हूं, अब मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं अपने आप को खो चुका हूं पूरी तरह से। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं मुझसे? हाँ क्योंकि उन्होंने भी हार मान ली। नहीं 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 मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा लड़ते रहे थे। पर दरअसल लोगों ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या हुआ मॉम? मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूं। जाओ पहले दरवाजा बंद करो। प्यार करने से ज्यादा आसान होता है मरना, और इसीलिए आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूं, सिर्फ इसी वजह से। हाँ अदालत, हमने आग बुझा दी, अब सब कुछ ठीक है। चलो अच्छी बात है, मैंने शॉप के शीशे भी चेंज करवा दिए हैं। आई होप कि आज कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए मिस्टर तहसीन। हाँ आज बहुत दिनों बाद हम चैन से सोएंगे, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। ओके, मैं निकला को उसके घर ड्रॉप करके आती हूँ। ओके ठीक है। नेकला सारी लाइट्स बंद कर दो और चलो। डैड आपके हाथ में तो चोट लगी है, आइए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूं। मिसेस रिहान फर्स्ट एड किट कहां रखा है? क्या हुआ, तुम फिर से यहां वापस क्यों आ गई हो? वो आपसे बात करना चाहती है पापा। क्यों, अफसोस करने के लिए और इस घर में वापस आने के लिए? चलो बोलो बोलो, शर्माना कैसा? कम से कम इतने दिनों बाद तो मुझे थोड़ी खुशी दे दो। अगर आप वाकई इस टाउन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें उनका हक दे दीजिए पापा। फिर से ये अपने हस्बैंड की भाषा बोल रही है। ये मैं आपकी बेटी के नाते बोल रही हूं।
अब सीजर को दुश्मन की तरह देखेंगे तो चीजें और खराब होंगी। आपका दिल तो हमेशा से बड़ा रहा है ना पापा, और आप कहते हैं कि आपने इस जगह को बनाया है, तो इसे महफूज करना भी आपकी जिम्मेदारी है, वरना कोई ना कोई इसका गलत फायदा उठाएगा। अच्छा, अब तो साफ है कि मैं कैसे सबको महफूज कर रहा हूँ। शहर के लोग मुझसे ही लड़ रहे हैं। हाँ पापा, और आने वाले वक्त में और भी लोग लड़ेंगे। आप कोर्ट में फंसे रहेंगे और आपके खिलाफ चार्जेस बढ़ते जाएंगे। मैं इस सब की परवाह नहीं करता। ये एक्यूजेशंस मैं उनके मुंह पर मारूंगा। कम से कम वो काम कीजिए जिससे लोगों को खुशी मिले, ताकि वो आपकी गलतियां भूल जाएं और आपके साथ मिल जाएं। मेरे साथ बहुत लोग हैं, तुम अपनी फिक्र करो। मैं बस आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती। आज सुबह मैं अपने घुटनों के बल चलकर तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? और तो और, इन्होंने चोरी की हुई पेंटिंग्स अपने घर की दीवार पर लगा रखी है। ये गलत है पापा, उन पर सीजा का हक है। मैंने सोचा था तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम्हें डिनर पर इनवाइट करूं, पर मेरी पेंटिंग्स अपनी दीवार पर लगाकर मुझे चिढ़ा रहे थे। आज के लिए बहुत हो गया, गुड लक। और एक बात, मैं आलमदार की फैमिली के किसी भी मेंबर को इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। अपनी गलती सुधार लोगी तो यहां के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, और अगर गलती नहीं सुधारी तो यहां आने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। गुड लक। डैड, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपकी ड्रेसिंग करने का सामान लेकर आती हूँ, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है पता नहीं। सुहान, सुहान, क्या उसने वाकई वो पेंटिंग्स अपनी दीवार पर लगाई हैं? हाँ, क्योंकि वो पेंटिंग्स उसकी फैमिली की हैं और उसकी मॉम को उससे खुशी मिलती है। और क्या तुम हमें खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती? सीजर को बदला लेने से रोको सुहान। तो उससे बोलूं कि अपने पापा के कातिल को भूल जाए? हाँ, देखो मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम उसे करती हो, इसलिए सिर्फ तुम ही उसे समझा सकती हो। मैं पापा के लिए नहीं कह रहा, होने वाले बच्चे के लिए कह रहा हूं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं सुहान, प्लीज कुछ करो। तुम करोगी ना मेरी बहन, हमारे लिए।